टू माई YouTube चैनल तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ और आज वाला जो केक है हमारा चॉकलेट फ्लेवर का बनने वाला है लेकिन साथ में जो केक है ये हाफ के जी का केक हम बना रहे हैं इसलिए इसे मैंने सिर्फ एक स्लॉट पे ही बनाया है यानी कि सिक्स इंच का केक टिन यूज़ किया बाकी जो भी मेजरमेंट है केक से रिलेटेड वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लीजिएगा और सेम केक डिज़ाइन को आप पाउंड में भी बना सकते हो आप टॉल हाइटेड वाले केक में भी बना सकते हो किसी भी शेप एंड साइज़ में आप बना सकते हो सेम डेकोरेशन को काफ़ी सिंपल है और काफ़ी ज्यादा अच्छा केक है ये वाला जो केक है ये मुझे क्लाइंट ने पिक्चर दिखाई थी ये हमारी लोकल बेकरी में ऐसा केक मिलता है और ये जो केक की फोटो उन्होंने दिखाई ये हमारे जो यहाँ पे लोकल बेकरी है वहाँ की फ़ोटो थी जो उन्होंने मुझे कहा था कि आप हमें बना के दीजिए तो सेम ऐसा ही हम रिक्रिएट करने की पूरी कोशिश करेंगे केक को केक को अच्छे से हम ठंडा होने देंगे उसके बाद ही हम डीमोल्ड करते हैं और फिर ऐसे केक की जो है कटिंग करते, है। करते हैं केक की कटिंग आप ब्रेड नाइफ के साथ भी कर सकते हो नॉर्मल जो घर की जो नाइफ़ होती है उसके साथ भी कर सकते हो लेकिन ब्रेड नाइफ के साथ अगर आप करते हो तो काफ़ी ईजिली और जल्दी जो है इक्वल लेयर्स में कट हो जाती है केक्स की लेयर और बाकी जो भी मेजरमेंट है जैसे मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा बाकी सारी चीज़ें आगे मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी तो वीडियो को बिना स्किप किया पेन तक देखिएगा सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी केक बोर्ड हमने यहाँ पे ले लिया केक बोर्ड मैंने बड़ा नहीं लिया क्योंकि केक बोर्ड पर कोई भी अलग से डेकोरेशन नहीं थी और केक का जो साइज़ है बोर्ड का वो अपने डेकोरेशन के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा बड़ा लेना चाहते हो वैसा ले सकते हो बाकी जो है जो मैंने वीडियो शेयर की जो केक वाली जो मैंने आगे भी शेयर की रिंग वाली उसकी वीडियो भी मैं आप सबके साथ एक दो दिन में लेके आऊँगी जो रिंग्स मैंने बनाए हार्ट शेप के जो मेरे पापा ने बना के दिए वो भी मैं दिखा दूंगी आप सबको और जो मैंने एक वायर वाला रिंग वाला जो एक और केक डेकोरेशन दो तीन बनाए थे वो भी आप सबके साथ मैं शेयर करूँगी तो वो सारी चीज़ें जो है एक दो दिन में आप सबके साथ डेफिनेटली मैं शेयर करूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वेस्ट आ रही है और क्रीम से रिलेटेड जो मैंने मेजरमेंट आप सबको दी है जो सारी मैंने वीडियो आप सबके साथ शेयर की है क्रीम किस तरीके से विप्ट करनी है जैसे कि मुझे अभी भी कमेंट आ रहा है कि मैम हमारी क्रीम मेल्ट हो जाती है तो मेल्ट नहीं होती है वो सॉफ्ट हो जाती है अगर आपको सही तरीका नहीं पता कि क्रीम को कितना विप्ट करना है बस ये चीज़ हो जाती है और बाकी जो भी मैंने वीडियो में शेयर किया ना वो जेनविन तरीका शेयर किया मैं कभी थो करके जो मैं वो नहीं यूज़ करती हूँ जैसे कि मैंने हमेशा आप सबको कहा बाकी अगर आपको वैसे रिजल्ट अच्छे आते वो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है अगर आपको वैसे रिजल्ट अच्छे आता है तो आप डेफिनेटली कीजिए लेकिन मैं जिस तरीके से करती हूँ जिसके साथ मुझे रिजल्ट काफी अच्छे आते हैं और जेनविन मिलते हैं मैंने वो सारी चीज़ें आप सबके साथ अपनी वीडियो में शेयर की हैं और उससे क्रीम काफ़ी देर तक स्टेबल रहती है और क्रीम को हमेशा केक पे लगा के समर्स में अगर छोटे केक्स हैं तो तीन से चार घंटे तो फ्रिज में आपको रखना ही है केक को ताकि क्रीम जो है ना एकदम अच्छे से सेट से हो जाए और अगर बड़ा केक है तो कम से कम छः सात घंटे तक आठ घंटे तक आप फ्रिज में रहने दो केक को केक की जो क्रीम है ना एकदम अच्छे से बैलेंस हो जाती है एकदम अच्छे से आ, मतलब अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है तो मेल्टिंग के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं मेल्टिंग के चांसेस तब होते हैं जब समर्स में हम केक को दूर ट्रैवल करके लेके जाते हैं जैसे बाइक में अगर हम केक को लेके जा रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जिसकी वजह से क्रीम जो है हमारी मेल्ट होने लगती है यानी कि सॉफ्ट हो जाती है तो इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो एकदम लिक्विड प्रोसेस में आ जाती है तो ये सारी चीज़ें हमें प्रिकॉशंस लेनी ही पड़ती हैं भले आपने केक को छः घंटे रखा हो या सात घंटे रखा हो तो ये जो प्रिकॉशंस होती हैं ना ये आपकी पर्सनल केयर हो जाती है केक को किस तरीके से ट्रैवल में लेके जाना है तो विदाउट ए समर्स में तो कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर पाओगे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में आपको नहीं लेके जाना यानी कि बाइक पे आपको कहीं पर भी ट्रेवल करके केक को नहीं लेके जाना अगर आप फोर व्हीलर में हो ए सी नहीं भी चल रही तो कोई दिक्कत नहीं आप केक को इतनी देर फ्रिज में रखो ठंडा होने दो आप एक आधे घंटे तक जो है इसे आराम से लेके जा सकते हो कहीं पर भी लेकिन अगर जो क्री जो केक है अगर आप बाइक में लेके सोचोगे कि मैं जाऊं तो वो पॉसिबल नहीं क्रीम आपकी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है समर्स में ही विंटर्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन समर्स में हो जाती है तो यहाँ पे केक की के जो आइसिंग थी वो हमने कर ली काफ़ी सिंपल थी क्रीम बेस ही हमें यहाँ पे करना था क्लाइंट को चॉकलेट बेस ही केक चाहिए था और ट्रफ़ल के केक्स के ऑर्डर थोड़े कम आ जाते हैं बड़े केक्स के ऑर्डर मुझे डेफिनेटली आते हैं जो काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं लेकिन ट्रफ़ल में क्या होता है ना ट्रफ़ल वाला जो केक है थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है भले अगर आपने एक पाउंड हाफ के जी या वन के जी का ऑर्डर किया है तो क्लाइंट को होता है कि चॉकलेट स्पॉन्ज ही से हम काम चला लें ट्रफ़ल की क्या ज़रूरत है ऊपर में चॉकलेट की हम गार्निशिंग करवा लेंगे तो क्या होगा हमारे कुछ पैसे बचेंगे कुछ थाट्स ऐसे हो जाते हैं क्लाइंट्स के तो उन्हें सिर्फ चॉकलेट स्पॉन्ज चाहिए होता है सिंपल क्रीम बेस के साथ साथ में कुछ हम डेकोरेशन कर देते हैं उनके अकॉर्डिंग तो ट्रफ़ल वाला जो सीन होता है ना ट्रफ़ल केक के साथ पूरा ट्रफ़ल केक की आइसिंग एंड पूरी लेयरिंग करनी तो उनमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है तो इसलिए वो कॉस्ट जो है ना उनका ना पड़े जिसकी वजह से ऐसे चॉकलेट स्पॉन्जेज और साथ में क्रीम की के डेकोरेशन के ज़्यादा ही ऑर्डर्स आते हैं जिसकी वजह से जैसा ऑर्डर आता है मैं वैसा बनाती हूँ बाकी मैंने आप सबके साथ ऑल टाइप्स ऑफ केक शेयर किए हैं जो काफ़ी अच्छे कॉस्टली केक्स हैं टू लेयर्स के थ्री लेयर्स एंड फाइव के जीज सिक्स के जीज तक केक मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं जो काफ़ी कॉस्टली है लेकिन बहुत सारे ट्रफ़ल केक नहीं पसंद करते कुछ बच्चों के हिसाब से लाइट वाले फ्लेवर्स के मंगवाते हैं केक जैसे पाइनएप्पल हुआ और सिर्फ सिर्फ सिंपल चॉकलेट स्पॉन्ज हुआ क्योंकि कुछ बच्चे ज़्यादा चॉकलेटी भी नहीं खाते या फिर सोचते हैं कि सारे बच्चे तो नहीं हैं पार्टी में इस कुछ बड़े भी हैं तो सारे जितने भी एल्डर्स हैं उन्हें सारे ट्रफ़ल वाले भी पसंद नहीं आते तो ऐसे चॉइसेस हो जाती हैं मुझे जैसी जैसी जिसकी क्लाइंट की चॉइस आती है जैसी उनकी डिमांड होती है मैं उसके हिसाब से ही केक्स को बनाती हूँ बाकी डिज़ाइन उन्हें कुछ सजेस्ट कर देती हूँ अगर उन्हें समझ में ना आए और कुछ चीज़ें उनके हिसाब से मैं चेंज कर देती हूँ या अपने हिसाब से चेंज करती हूँ उनसे पूछ के जो डिज़ाइन पे अच्छा लगे तो ये सारी चीज़ें मैं करती हूँ बाकी टेस्ट से रिलेटेड जो डिमांड होती है वो टोटली डिपेंड करती है कस्टमर के ऊपर तो यहाँ पर केक की हमने पूरी आइसिंग करके स्क्रैपर के साथ साइड की एजिस को क्लीन कर लिया टॉप वाली सर्फेस को भी क्लीन कर लिया केक बोर्ड को भी क्लीन कर लिया साथ में यहाँ पर मैंने बना ली चॉकलेट सॉस नॉर्मल चॉकलेट सॉस है मैंने आगे भी अपनी वीडियो में शेयर की है तो यहाँ पर थोड़ी सी अनमेल्टेड क्रीम और साथ में चॉकलेट जो है हाफ पोर्शन जितना वन थर्ड पोर्शन जितना मैंने यहाँ पे यूज़ किया है दोनों के एक साथ डबल बॉयलर में अच्छे से मेल्ट कर लिया और इस तरीके से चॉकलेट सॉस को इसके ऊपर हम पोर करेंगे और चॉकलेट सॉस को इस तरीके से ड्रिप करने का और भी एक तरीका है पाइपिंग बैग में भी डाल के कर सकते हो लेकिन मैं पाइपिंग बैग में डाल के नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जो इसकी ड्रिपिंग है ना ये जिस तरीके से मैं कर रही हूँ मुझे ऐसे ही पसंद है और अभी तक मैंने जितने भी ऐसे चॉकलेट ड्रिपिंग वाले सॉस वाले केक बनाए हैं सब में मैंने हमेशा स्पून की हेल्प से ही जो है इस तरीके से चॉकलेट को डाला है केक पे और इस तरीके से ही इसकी ड्रिपिंग बनाई है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है और इस तरीके से मुझे लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और इसलिए मैं पाइपिंग बैग का इस्तेमाल नहीं करती हूँ बाकी आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे करो मुझे इस तरीके से पसंद है और मैं ऐसे कंफर्टेबल रहती हूँ और काफ़ी अच्छे से इसकी ड्रिपिंग आती है इस तरीके से इसलिए मैं इसे ऐसे करती हूँ अगर आपको ट्राई करना है तो आप भी ज़रूर ट्राई कर सकते हो इस तरीके से भी और दोनों को देख सकते हो डिफ़रेंस की जब मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया तो किस तरीके से लुक आई और जब मैंने ऐसे नॉर्मल स्पून के साथ इसकी ड्रिपिंग को इस तरीके से फ्लो किया है तो उसकी लुक किस तरीके से आई तो दोनों चीज़ों को आप करके कंपेरिज़न कर सकते हो बाकी यहाँ पर चॉकलेट सॉस थोड़ी सी बच गई थी मैंने सोचा इसे लास्ट में यूज़ करूँगी पहले इसे अच्छे से हम स्प्रेड कर लेंगे पैलेट नाइफ़ के साथ और अगर यहाँ पर ज़्यादा ठंड है और चॉकलेट सॉस जो है हमारी हमने जो ड्रिपिंग बनाई है अगर थोड़ी सी आपको लगे कि थोड़ी सी आ, मतलब थोड़ी ज़्यादा ड्राई होगी है कुछ भी ऐसा हो गया है या फिर अच्छे से स्प्रेड नहीं हो रही है इस मूवमेंट में तो आप साइड पर गर्म पानी रखो और पैलेट नाइफ़ को उसमें डुबो के रखो थोड़ा सा उसके बाद जो है उसके थोड़ा सा पोचने के बाद इस तरीके से आप उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करोगे ना तो ईवनली स्प्रेड हो जाएगी अगर विंटर्स में ऐसी प्रॉब्लम होती है अभी समर्स है तो समर्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे जो चॉकलेट सॉस थोड़ी सी मेरे पास और बची हुई थी वो सारी हम यहाँ पे डाल देंगे क्योंकि इसके बाद जो कोई भी ऑर्डर है वो इस चॉकलेट सॉस का नहीं है तो वेस्ट ना हो बेकार जाएगी इससे अच्छा मैं सारी इसी केक पे यूज़ कर दूँ ताकि और अच्छे से गार्निशिंग हो जाए तो सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से हम डाल देंगे चॉकलेट आप कोई भी ले सकते हो कंपाउंड वाली बहुत सारी मार्केट्स में अवेलेबल है मॉडे की भी है टू एम की भी है और भी बहुत सारी और ये सारी काफ़ी रिजनेबल रेट में आ जाती है जिन दोनों के मैंने आप सबको नाम बताए हैं अब इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो बस इस तरीके से हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और थोड़े से स्विल्स के डिज़ाइन जो है पैलेट नाइफ के साथ एज यूजुअल जैसे हम बनाते हैं अच्छी लुक देने के लिए वो हम करेंगे बाकी हाफ के जी का केक है प्राइस जो मैंने लिया है आपको बताऊंगी सेल्फ डिलीवरी केक है हमारा तो सारी चीज़ों को आगे शेयर करूँगा और इसके साथ ना मुझे चार कप केक भी बनाने थे बटर स्कॉच फ्लेवर के जिसकी डेकोरेशन तो मैंने आप सबके साथ शेयर नहीं की है लेकिन उसकी लुक मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी काफ़ी सिंपल से चार कप केक थे इस केक के साथ और जो है इसकी जो डेकोरेशन है वो भी काफ़ी सिंपल है तो सारी चीज़ें आगे मैं शेयर कर दूंगी यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स की गार्निशिंग हम यहाँ पे करेंगे मेरे पास कुछ फाइव स्टार चॉकलेट्स थी डायरी मिल्क थी और ओरियो बिस्किट्स थे जो जो केक में लगे हुए थी डेकोरेशन पार्ट जो मुझे क्लाइंट ने पिक्चर दिखाई थी उसके हिसाब से मैं यहाँ पर डेकोरेशन कर रही हूँ इस केक की काफ़ी अच्छी सी लुक आएगी पहले भी इस केक को इस तरीके से मैंने कुछ बनाया था जो मैंने काफ़ी पहले आप सबके साथ शेयर किया है मे बी और ये बहुत टाइम के बाद फिर ऐसा ऑर्डर आया मुझे तो यहाँ पे है सारी चीज़ों को अच्छे से अरेंज करेंगे और काफ़ी अच्छा सा एक लुक देंगे हम गोल्डन इफेक्ट के साथ जो आगे आप सबके साथ शेयर करूँगी तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने लगा दिए फ्रंट पे दो चॉकलेट्स सामने जो ऊपर की टॉप लेयर है वहाँ पर इस तरीके से हम डेकोरेट करेंगे पहले मुझे क्लाइंट ने कहा था कि केक के टॉप पर आप जो है नाम लिख देना फिर उन्होंने मना कर दिया कि कुछ भी मत लिखना सेम सिंपल केक आप हमें बना के देना और इस केक का भी अर्जेंट ऑर्डर था अर्जेंट ऑर्डर यानी कि इन्होंने मुझे आफ्टरनून में ही किया था और कहा था रात को अब दस ग्यारह बारह बजे जितने बजे भी मुझे दे देना कोई दिक्कत नहीं है तो हम उतने बजे लेने आ जाएंगे केक को लेकिन मेरा जैसे ही केक बना सारी चीज़ें मैंने इनको फ़ोन कर दिया और ये खुद आ भी गए लेने के लिए और केक का डिज़ाइन देख कर ही मैंने इनको हाँ किया था क्योंकि ये केक जल्दी बन जाएगा तो सारी चीज़ों को उसके हिसाब से ही मैं एक्सेप्ट करती हूँ अगर केक का डिज़ाइन थोड़ा बड़ा है कुछ भी ऐसा है तो आप इतना जल्दी अर्जेंट ऑर्डर मत एक्सेप्ट कीजिए अगर पॉसिबल नहीं है कि आप बना नहीं सकते हो और अगर आप बना सकते हो इस केक को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना बनाने में ना सेट होने में तो आराम से आप ईज़िली जो है अपने ऑर्डर्स को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए वो कितना भी अर्जेंट क्यों ना हो तो यहाँ पे मेरे पास है ये गोल्ड का डस्ट जो आपने देखा तो ये एडिबल है पूरा टोटली तो, तो इसके साथ हम पहले ड्राई ही इसे थोड़ा ब्रश के साथ इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे चॉकलेट्स पे लगाएंगे जो बिस्किट्स हमारे ओरियो बिस्किट्स उस पर लगाएंगे ये देखें तो इसी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाल दिया इस प्लेट पे प्लास्टिक की और इस पर मैंने डाला है लिक्विड का एवेपरेटर जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी इसे हम ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा मिक्स करेंगे क्वांटिटी आपने देखी मैंने कितनी ली थी डस्ट की गोल्डन डस्ट की और साथ में जो लिक्विड था वो मैंने काफ़ी कम क्वांटिटी में यूज़ किया है तो इस तरीके से इसे हम कर लेंगे और यहाँ पर ही देखें ये है मेरे पास बॉटल प्योरिक्स की लिक्विड एवेपरेटर इसके साथ ही हम यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसके साथ इसकी कंसिस्टेंसी है ना काफ़ी अच्छी रहती है बैलेंस्ड रहती है और एकदम फ्लोई नहीं रहती एकदम स्टिक रहती है इस तरीके से जो है हम थोड़े से अगर आप देख रहे हो हाथ के साथ किस तरीके से मैं ब्रश को इस तरीके से पुश कर रही हूँ ताकि जितने भी स्प्रिंकल्स जो है ना इस तरीके से डस्ट हो जाए जो भी गोल्डन वाले हैं ताकि काफ़ी अच्छे से गोल्डन लुक दे जैसा पिक्चर में है उसके हिसाब से तो जितनी मैंने क्वान्टिटी ली उसके हिसाब से मैंने लिक्विड डाला और इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया और ज़्यादा भी मैंने नहीं डाला डस्ट को ताकि वेस्ट ना हो क्योंकि केक की जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा नहीं है कम थी डेकोरेशन कम थी क्योंकि जो केक का जो मतलब वेट था वो भी कम था हाफ के जी का हमारा केक था तो सारी चीज़ों को उसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पे अरेंज किया है बाकी ये केक जो है हमारा बन के एकदम रेडी है ये इसकी ओवरऑल लुक है ताकि मैं आपको क्लोजअप दिखा सकूँ और यहाँ पे ना कुछ एक दो मैंने एक एक शॉर्ट्स जो डायरी मिल्क वाले आते हैं ना वो भी लगा दिए थे ताकि लुक और ज़्यादा अच्छी आए मेरे पास अवेलेबल भी थे अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है बाकी इसकी अगर आप ड्रिपिंग देख रहे हो कितनी अच्छी आई है इसका ही यही मेन रीज़न होता है इसकी वजह से ही मैं हमेशा स्पून का इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मुझे ना कभी भी पाइपिंग गैप से ऐसी जो ड्रिपिंग है ना वो नहीं मिलती है ये बहुत ही अच्छी लगती है बाकी यहाँ पे देखिए ये है मेरे पास ये कप केक ये मैंने एक आपको दिखा, दिखा दिया ऐसे मैंने तीन और बनाए थे यानी कि टोटल चार थे तो ये पूरी ओवरऑल लुक है आई होप कि आज वाला केक डिज़ाइन आप सबको पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और पूरी कोशिश करूँगी कि आगे भी आप सबके साथ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और जो केक डिज़ाइंस मैं बनाती हूँ वो सारी चीज़ें आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ और जो डाउट्स होते हैं ना आपके ज़रूर पूछा कीजिए पूरी कोशिश करूँगी कि थ्रू द कमेंट वीडियोज़ के थ्रू सारी चीज़ों के साथ आप सबके जो भी डाउट्स है वो क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ साथ में ये वाला जो केक का प्राइस और जो था केक का ये मैंने फाइव फिफ्टी रुपीज़ लिया था और साथ में जो मेरे कप केक्स थे उनका मैंने थर्टी रुपीज करके ईच लिया है क्योंकि सिंपल हमारा जो था बटरस्कॉच का कप केक था और उसके ऊपर सिंपल डेकोरेशन थी यानी कि फाइव फिफ्टी का केक और एक पीस जो था कप केक का वो थर्टी रुपीज़ आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी थैंक्स फॉर वॉचिंग